सिखाने वाले हैं नायरा कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही। तो बहुत ही इजी सा मेथड बताएंगे, आप किसी भी तरीके की नायरा कट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो इस मेथड को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो लेते हैं साइज, वो लेते हैं कि चौड़ाई हमारे माप में सबसे ज्यादा कितनी है। तो हम देखेंगे इसमें, जैसे कि हमारी जो टॉप पार्ट की चौड़ाई है वो चेस्ट की ही लेते हैं, चेस्ट एंड कमर का माप। सो नॉर्मल तरीके से हम जैसे माप लेते हैं कुर्ती का, वैसे ही हमने माप लिया हुआ इसमें। इसमें हमने हिप का माप नहीं लिया, ओनली सारे माप लिए हैं हमने। तो उसमें हम जो चेस्ट का है और कमर का माप है उसमें ये देखेंगे सबसे बड़ा साइज कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग एक बार फैब्रिक को बिछा लेते हैं टॉप पार्ट के लिए। तो यहाँ से जैसे कि हमारा जो सबसे बड़ा साइज है मान लो 8.5 है, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 10.5 हो गया। 10.5 पे हम एक निशान लगा लेते हैं और इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया 10.5 इंच पे। अब हमने शोल्डर लेने हैं, नेक के हिसाब से शोल्डर लेते हैं हम। इनके जो शोल्डर हैं वो है 7.5 के प्रॉपर, लेकिन इनका जो नेक है वो 7.5 का है, इस कारण हम इसमें से 1.5 इंच कम कर देते हैं। तो यहाँ से 6 इंच का शोल्डर ले लेते हैं। अब हमने यहाँ से भी 6 इंच का एक निशान लगा लेना है और सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल को मापेंगे। ये हमारा हो गया जैसे कि 7.5 के करीब, क्योंकि जो हमारा आर्म होल है वो ज्यादा नहीं है, 15 ही है, तो इस कारण हम आर्म होल कम ही लेंगे। 6.5 भी लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से हम अब 8.5 है हमारी चेस्ट का माप, ये निशान लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके बाद हम ये टोटल मापते हैं कि हमारा कितना हो गया। जैसे हमारा टोटल हो गया 10.5, तो हमने कमर का निशान लगाना है 10 पे। उससे पहले हम एक बार लेंथ ले लेते हैं कि हमारी टॉप पार्ट की लेंथ कितनी है। तो हमने 14 इंच की लेंथ रेडी रखनी है, 15 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। इसको हम सीधा कर लेते हैं। हमने लेंथ कैसे निकालनी होती है, जितनी हमने रेडी करनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इस साइज को मापेंगे, जैसे कि हमारा हो गया 10.25, तो यहाँ से हम 0.5 इंच कम कर लेंगे, यानी कि 10.25 हमारा हुआ है, तो 10.75 पे हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। हम किसी भी साइज के लिए ऐसे ही निशान लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कमर में और चेस्ट में ज्यादा ही डिफरेंट है तो आप इस तरीके से भी माप सकते हो। जैसे कि हमारा ये कमर का साइज आया है 6.5 पे, हम 1.5 इंच की डार्ट डालेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक हो गया। इस तरीके से हम माप लेते हैं। अब 1 इंच हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, ये हम 1.5 इंच का भी झुकाव दे सकते हैं, 1 इंच का भी दे सकते हैं, वो साइज के अकॉर्डिंग होता है। अब हम यहाँ से डार्ट पॉइंट का एक निशान लगा लेते हैं 3.5 पे, 3.5 पे, ये भी साइज के अकॉर्डिंग ही होता है। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमें डार्ट डालनी है, वो डालनी कहाँ तक है वो देखते हैं। जैसे कि हमने डार्ट पॉइंट लिया था हमारा 9.5 पे आया था, 1/2 इंच और ज्यादा लेंगे मार्जिन का, तो 10 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं, ये हमारी जो डार्ट का निशान हो गया वो हो गया। तो हमारी 1.5 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था डार्ट के लिए वो ऐसे कवर हो जाएगा और यहाँ तक आपकी डार्ट डलेगी। अब हमने यहाँ से राउंड शेप दे देनी है इस तरीके से। नॉर्मल सूट में आपको समझाया हुआ हम राउंड कैसे देते हैं, वो भी आप तरीका फॉलो कर सकते। अब जैसे कि फ्रंट की भी हम राउंड शेप एक बार दे लेते हैं इस तरीके से। हाफ कोना इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से भी हम राउंड शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों की ही राउंड शेप हो गई है। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा डाउन देना है। अगर आपका नेक छोटा होता बिल्कुल ही तो आप 1/2 इंच या 1/4 इंच भी डाउन दे सकते हो, लेकिन नेक आपका 7.5 का नॉर्मल है, मीन ना ही छोटा ना ही बड़ा, तो आप कम डाउन रखोगे यहाँ से। अब आपकी ब्रॉड जहाँ तक आती है नेक की, उसके साथ इसको मिला दो। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
एक ये हम यहाँ पे मिला देंगे, यानी कि हमने जो ये निशान लगाया था ये भी देखने वाली चीज होती है कि हम इसको मिलाते कहाँ पे हैं। तो हमारी जो डार्ट का निशान है उसके साथ मिलाते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, ये ऐसे थोड़ा सा उठाव देने से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, खासकर फ्रॉक में। तो हमने फ्रंट पैनल हमारा कट कर लिया है, अब बैक पैनल कट कर लेते हैं। ये हमने जितना डाउन किया था उतना ही ऊपर की तरफ उठा लेना है और बाकी सेम कट कर देना है। अब यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं, यहाँ पे भी एक कट लगा लेते हैं, क्योंकि हमने जो डार्ट है बैक एंड फ्रंट दोनों में डालनी है। यहाँ पे भी एक कट लगा सकते हैं नेक के, और जो फ्रंट की सटाई है वो भी कर लेते हैं ऐसे। तो हमारे जो बैक एंड फ्रंट पीस थे दोनों कट चुके हैं। अब हम इसमें से स्लीव्स कट कर लेते हैं। साइड में से हम स्लीव्स निकालेंगे, उससे पहले हम एक बार फैब्रिक को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फैब्रिक कितना है, क्योंकि इसमें हमें जितनी भी ये चौड़ाई है वो सारी चाहिए, नीचे नायरा के लिए जितनी चौड़ाई है सारी चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले एक बार चेक कर लेना होता है कि हमारी जो कुर्ती है वो बन जाएगी क्या। तो टॉप पार्ट हमने कट कर लिया था, लेंथ मापने के लिए हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि हमारा टॉप पार्ट जितना भी है उतना ही इंची टेप हमें बाहर निकालना होता है, फिर लेंथ मापनी होती है। मीन्स 43 है तो आप 1.5 या 2 इंच जितना फोल्ड का रखोगे उतना। तो अब आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है तो आपकी स्लीव्स कट हो सकती है। ये मैंने क्यों माप के देखा, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक इतना ही था कि दोनों स्लीव्स कट नहीं हो रही थी, तो हमें आगे से निकालनी पड़ेगी एक स्लीव्स। ये हमने टॉप पार्ट भी कट कर लिया है और स्लीव्स भी कट कर लिए हैं। अब हमने इसकी लेंथ देखनी है, मैंने बोला था कि हमें पूरा ही फैब्रिक चाहिए, इसलिए हमने बैक एंड फ्रंट के लिए ऐसे के ऐसे डबल फोल्ड फोल्ड करके बिछा दिया है। अब हम इसकी लेंथ फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, वो हमने आइडिया लिया था। तो अब हम दोबारा से देखेंगे कि हमें किस तरीके से लेंथ चाहिए। आपने ये भी बिल्कुल इक्वल कर लेना है फैब्रिक, ताकि अनइक्वल ना रहे कहीं पर स्टिचिंग करते टाइम। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच मार्जिन का ऊपर की तरफ रख लिया जो दबाव में आएगा, और जो हमारा ये हिस्सा है यहाँ से आगे वाला उसको मापना है, और जितनी हमारी लेंथ है 43 हमारी लेंथ है तो 43 पे निशान लगा देंगे। नीचे हमने फोल्ड कितना करना है 1.5 या 2 इंच वो भी आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो हमने 45 पे एक निशान लगाया है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। कटिंग कर देंगे यहाँ से। अगर आपको नॉर्मल सा घेर चाहिए तो आपकी ये कुर्ती एकदम परफेक्ट इस तरीके से कटिंग हो जाती है। अब इसमें आपने ओनली स्टिचिंग करनी है और साइड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, तो स्टिचिंग भी इसकी आपको दिखाएंगे। तो देखिए टॉप पार्ट हमने रेडी कर लिया है, पोटली बटन हमने इसमें लगाए हुए हैं। पोटली बटन कैसे बनाए हमने वो आपको दिखाया था, तो आप उस तरीके से बना सकते हो। कई तरीके से हम पोटली बटन बना सकते हैं, ये हमने फैब्रिक की हेल्प से बनाए। तो यहाँ से बैक एंड फ्रंट दोनों हमने पीस रेडी कर लिए हैं, जो डार्ट थी हमारी वो भी डाल ली है, यानी कि प्लेटें इस तरीके से ये भी डाली हुई है। अब हमने नीचे की जो चुन्नटे हैं वो डालनी है, तो वो किस तरीके से डालते हैं वो मेथड समझाते हैं आप। यहाँ से ये देखिए, जैसे हमारी जो कमर है वो है 14 इंच की, हमारे पास ये फैब्रिक है एक्स्ट्रा भी है इसमें मार्जिन, यानी कि 2-2 इंच एक्स्ट्रा है। हमने 14 इंच की रेडी करनी है, 2 इंच इधर रह गया, 2 इंच इधर रह गया। हमने क्या करना है, 2 इंच तो प्लेन रखना है फैब्रिक को, आप इतना ना रख पाओ तो 1 इंच प्लेन रख लेना। हाँ, जरूरी नहीं है आप इतना ही चौड़ा नीचे भी रखो, आप 1 इंच प्लेन रखना और फिर 1 इंच इधर से प्लेन रखना, सेंटर वाले में चुन्नटे डालनी है। तो दिखाते हैं हम किस तरीके से डालेंगे। तो हमने जैसे कि 14 इंच कमर है, दोनों तरफ एक एक रखेंगे तो 16 इंच हो गया, 16 इंच में हम चुन्नटे डाल लेते हैं। और ये हमने स्लीव्स भी रेडी कर लिए, इनको भी हम नॉर्मल तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। तो
हम एक पीस हमने उठा लिया है सीधा, जो हमने सीधे पीस कट किए थे एक इंच की, हमने एक डेढ़ इंच आप प्लेन रखोगे यहाँ से। आप इस अगर और भी इंची करके करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से हमने कट लगाया है सेंटर में, ये हो गया हमारा सेंटर का कट। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से चुन्नटे डालोगे। आप कितना, आप बिल्कुल मिला के भी रख सकते हो, कि आप चाहो कि बिल्कुल मिला के रखे इस तरीके से भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टमी है वो ज्यादा ना दिखे तो आप यहाँ से प्लेन रख सकते हो, और यानी कि ढाई या पांच इंच का गैप प्लेन रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ से चुन्नटे ऐसे डाल सकते हो। तो हम इस तरीके से आपकी कितनी चुन्नटे आएंगी वो देख लेते हैं एक बार। हमारा एक साइड का हिस्सा होना चाहिए 8 इंच का, यानी कि इस तरीके से। तो आपकी एक चुन्नट और आ जाएगी यहाँ से इस तरीके से। तो आप ऐसे चुन्नटे डाल सकते हो एक साइड में, ये आइडिया लगा सकते हो। तो चलिए हम चुन्नटे डालना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बार तरीका बताया है कि इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ से हम डालना स्टार्ट करेंगे, 1-2 इंच आप प्लेन रख लीजिए, उसके बाद आप चुन्नटे डालो। अब हम फैब्रिक को एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट वाली चुन्नट डालने तक। तो हम यहाँ से 8.5 ले लेते हैं, क्योंकि हमारा फैब्रिक साइड में 2 इंच था, हमने 1 इंच ही लिया है, तो हम 1.5 इंच भी रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा इस तरीके से। अब आपने क्या देखना, जैसे एक तरफ की आपने चुन्नटे डाल दी, ये गैप चेक करना कि आपने कितना रखना है यहाँ पे। तो हम रख रहे हैं 1.5 इंच का, 1.5 इंच हम इधर रख लेंगे और फिर से चुन्नटे डालना स्टार्ट कर देंगे। कट से इधर 1.5 इंच रख देंगे। ये ओनली फ्रंट हिस्से में ही करेंगे हम इस तरीके से, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए दोनों तरफ का। आप इस तरीके से करके देख सकते हो कि आपको कितनी और चुन्नटों की नीड है। तो यहाँ से हम अगर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारे फ्रंट हिस्से की चुन्नटे डल चुकी हैं। बैक में हम एक ही साइड डालेंगे, तो 1-2 इंच तो हम फिर से प्लेन रखेंगे, और टोटल फैब्रिक चुन्नटे डालने के बाद हम 16-17 इंच रखेंगे। आपको आइडिया लग जाए कि आपकी कितनी चुन्नटे और आनी है और कितनी आपकी रह गई है। आपने जो पहले वाले पीस में चुन्नटे डाली है उसको माप के देख सकते हो कि आपने सेम उतना ही रेडी करना है, तो आपकी 2-3 चुन्नटे आएंगी वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सेम फैब्रिक लिया है हमने और सेम साइज लिया है चुन्नटों का। यहाँ से हम माप के देख लेते हैं कितना हो गया, यानी कि 1 चुन्नट और आ जाएगी हमारी, 17 इंच तक हमने रेडी करना है, स्पेस भी इक्वल हो जाएगा जो यहाँ पे ज्यादा है। आपने बैक में एक साइड डाल देनी है और फ्रंट में दोनों तरफ करके डाली हमने। अब जैसे कि ये हमारा बैक पार्ट है, तो पहले बैक को ही ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ तक। अब हमने इसकी सिलाई लगा ली, कट भी लगा सकते हो दोनों तरफ ताकि पता रहे कि बिल्कुल इक्वल आई है आपकी। अब हमने तो माप लिया था इसलिए इक्वल है, तो हमारा ये हिस्सा एक तरफ का जुड़ गया है। अब दूसरी तरफ से भी हम जोड़ते हैं, यहाँ से हम इसमें कट बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि ये हमने देखना बहुत जरूरी है कि इसका सेंटर कहाँ। हमारा फ्रंट पीस हो गया, और जो हमने इसका सेंटर बनाया यानी कि कट,
तो कट से कट हमने बिल्कुल मिलाना है, चाहे दोनों तरफ से हमें वापस से सेट करना पड़े फैब्रिक को, लेकिन कट से कट मिलना चाहिए, तभी इक्वल डिस्टेंस आपका आ पाए। तो हम यहाँ से भी सीधा कर लेते हैं एक बार और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों हिस्से स्टिच कर लिए, फ्रंट से आपका कुछ इस तरीके से आएगा। आप चाहो तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। अब हम स्लीव अटैच कर लेते हैं। आप चाहो तो स्लीव इसमें पहले लगा सकते हो, चाहो तो इसमें बाद में भी लगा सकते हो, दोनों मर्जी आपकी। तो इसकी फिटिंग कैसे लगाते हैं, हम एक बार फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से 20.5 हो गया हमारा, 10.25 पे हम एक निशान लगा ले सेंटर को देखते हैं। तो 8.5 पे हम एक निशान लगाएंगे, दूसरी तरफ भी हमने 8.5 पे ही लगा लेना है, इनके 17 हो गया। अब जो कमर का निशान है आपका, ये हमने कट लगा रखा था तो इसमें मापने की जरूरत नहीं है। अब 7 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और 7 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब इसमें हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो देखिए, पहले तो एक बार ये निशान कम्प्लीट कर लेते हैं, यहाँ से इस निशान को कंप्लीट कर देते। अब ये देखिए, जैसे आपको हिप मापने की जरूरत नहीं है इसमें, हाँ, लेकिन इसमें आप हिप का निशान माप सकते हो, मीन्स आपकी हिप कहाँ तक आएगी। जैसे कि यहाँ से हमने लिया तो 21 इंच पे, तो 21 इंच आपका कहाँ पे आया, यहाँ पे। अब हम ये देख लेते हैं, ये निशान आपका यहाँ पे आया तो इसके नीचे कितना गया है, 6.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। तो इक्वल हो गया आपका डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, फोल्ड करने के लिए जो फैब्रिक रखना है हमें वो रख लेना है 1 इंच 1.5 इंच, आप जितना भी फोल्ड करना चाहो। इधर से भी आपने ऐसे ही रख लेना है 1 या 1.5 इंच इस तरीके से। अगर आप मीन्स नीचे तक चाक उतारना चाहते हो तो ऐसे सिलाई लगाओ इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि टॉप पार्ट से अलग ही ओपन रह जाए सिलाई, तो उसमें ओनली टॉप पार्ट तक सिलाई लगाओगे, लेकिन उसमें आपने टॉप पार्ट लंबा लेना पड़ेगा। बस इसके ये दो मेथड होते हैं। अब हम इसकी एक बार फिटिंग लगा लेते हैं। जब आप फिटिंग लगाओ आपके ज्वाइंट बिल्कुल मिलने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का कि जो ज्वाइंट है यहाँ पे ये वाले बिल्कुल मिलने चाहिए। सिलाई लगाते हैं वो थोड़ा सा गैप रखते हुए लगाते हैं ताकि फ्यूचर में कभी खोलनी पड़ जाए। यहाँ से फिर से हमने ज्वाइंट बिल्कुल मिलाने हैं और ये सिलाई भी कंप्लीट कर दी। नीचे का जो पार्ट है आप इसको पक्की सिलाई लगा सकते हो पूरे को, जरूरी नहीं है कि आप तुरपाई वाला बनाओ। पहले नीचे से फोल्ड कर दोगे, आपको कितना चाहिए उस तरीके से, यानी कि इतना कर सकते हैं हम और बिल्कुल इतना भी कर सकते हैं, आप लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर हम साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए और यहाँ से भी इसको फोल्ड कर देंगे पक्की सिलाई लगा के, ज्यादा चौड़ा नहीं करना आपने। हाँ, पक्की सिलाई जब हम लगाते हैं ज्यादा चौड़ाई पे सिलाई नहीं लगाते, इतना सा ही कर पाते हैं इतना सा। तो ये सब आप एक बार करके आपको दिखाते हैं। तो नायरा सूट बस ऐसे ही स्टिच होता है। अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहो तो उसमें आपको टॉप पार्ट एक्स्ट्रा लेना होता है थोड़ा सा, ताकि आप इसको ओपन करो तो ज्यादा आपके मतलब साइड से दिखे ना। दूसरा, आप इसमें चुन्नटे कैसे भी डाल सकते हो, जैसे ये हमने एक तरीका बताया ऐसे डाल सकते हो, बॉक्स प्लेटेड डाल सकते हो, पूरे राउंड में चुन्नटे डाल सकते हो। वो कैसे डालोगे, आपने पहले पूरा टॉप पार्ट रेडी कर लेना है, उसके बाद सारे में चुन्नटे एक साथ डालनी है पूरे फैब्रिक में। बीच में जो ये ज्वाइंट है ये भी लेने की जरूरत नहीं है, अगर फैब्रिक आपके पास ऐसा है इक्वल जो तिरछा लगता हो तो उसमें आप पहले पूरा रेडी कर लेना है, फिर बाद में ये लगाना नीचे एक तरफ ज्वाइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हाँ, सो देखिए ये इस कुर्ती का फाइनल लुक है, बहुत ही सुंदर बनी है।
सेंटर में से 3 इंच का जो हमने रखा था वैसा ही फैब्रिक है, और यहाँ तक इसके 4 ओपन किए हमने, और नीचे भी देख सकते हो मोहरी पे भी बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है, और ऊपर नेक पे पोटली बटन। तो एक बार आप भी बताएं कैसी लगी आपको, बैक में घूम के दिखा सकते हो। बैक में बिल्कुल इक्वल डार्क प्लेटेड डाली हुई है एक तरफ से, तो बहुत ही सुंदर बनी, आप एक बार बिल्कुल ट्राई करना। थैंक यू।